बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टुमारोलैंड। कहानी की शुरुआत होती है सन 1964 से, जहां न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक वॉल्टर है। फ्रैंक का दिमाग बहुत ही इनोवेटिव होता है। उसने एक जेट पैक बनाया है। वो उस जेट पैक को लेकर डेविड निक्स के पास जाता है। डेविड उससे पूछता है, क्या तुम्हारा जेट पैक काम करता है? फ्रैंक कहता है, मेरा जेट पैक काम तो करता है, लेकिन सही से नहीं। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एथीना है। वो फ्रैंक के काम से बहुत प्रभावित होती है, लेकिन डेविड उसके काम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। फ्रैंक बाहर जब उदास बैठा होता है तो उसके पास एथीना आती है। वो उसे एक लेपल पिन देती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम कौन हो? एथीना कहती है कि मैं भविष्य हूँ। इसके बाद फ्रैंक उसके पीछे एक बोट से जाता है, और जब उसकी बोट एक टनल के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक लेजर लाइट फ्रैंक के लेपल पिन को, जो उसे एथीना ने दी थी, उसे स्कैन करती है। इसके बाद एक गेट खुलता है जिससे उसकी बोट नीचे जाती है और एक अजीब से कमरे के सामने रुक जाती है। और जब वो उस कमरे के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कमरा नहीं बल्कि एक लिफ्ट है। वो उसे नीचे ले जाती है। फ्रैंक यहाँ से बाहर निकलता है, तभी यहाँ पर दो रोबोट्स आते हैं जो फ्रैंक को स्कैन करते हैं। वो फ्रैंक के जेट पैक को भी देखते हैं और उसके जेट पैक में जो भी कमियां होती है रोबोट पूरी तरह से उसे ठीक कर देता है। तभी यहाँ पर फ्रैंक को दो लोग देख लेते हैं। फ्रैंक उनसे डर कर नीचे गिर जाता है, और जब वो लगातार जमीन की तरफ गिर रहा होता है तभी वो अपने जेट पैक को पकड़ लेता है, जिसे स्टार्ट करके वो जमीन पर गिरने से बच जाता है। इसके बाद फ्रैंक एथीना के पास जाता है। एथीना उसे बताती है कि इस जगह का नाम है टुमारोलैंड। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। फ्रैंक टुमारोलैंड में रहते रहते अब बूढ़ा हो चुका है, और ये वक्त होता है सन 2015 का, जहां अर्थ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैसी है। कैसी नासा के लॉन्च प्रोग्राम में जानबूझकर बार बार खराबी ले आती है, क्योंकि उसके पिता नासा में इंजीनियर हैं, और अगर ये लॉन्च हो गया तो उसके पिता की जॉब छूट जाएगी। एक बार कैसी जब नासा के लॉन्च प्रोग्राम में खराबी कर रही होती है तो उसे पकड़ लिया जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके सामान में एक लेपल पिन भी होती है। ये लेपल पिन ठीक वैसे ही होती है जैसे आज से कई साल पहले सन 1964 में फ्रैंक को मिली थी। जैसे कैसी उस पिन को हाथ लगाती है तो वो टुमारोलैंड पहुंच जाती है। ये दुनिया देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत आधुनिक होता है। इस दुनिया में कैसी सबको देख सकती है, लेकिन कैसी को कोई भी नहीं देख सकता। और तभी उसकी पिन में रिवर्स काउंटिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी पिन की जो बैटरी है वो डाउन हो रही है। और जैसे ही पिन की बैटरी खत्म होती है वो वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। कैसी पूरी तरह से हैरान होती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो वापस अपने घर जाती है और अपने भाई को सब कुछ बताती है। ये दोनों के दोनों इंटरनेट पर पिन को सर्च करना शुरू करते हैं, और इंटरनेट पर इन्हें वैसा ही पिन दिख जाता है जिस पर एक एड्रेस होता है, और कैसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। ये एक शॉप होती है, और जब कैसी शॉप के ओनर्स को पिन दिखाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो कैसी से पूछते हैं कि तुम्हें पिन कहां से मिला। कैसी कहती है कि मुझे नहीं पता। वो कैसी से पूछते हैं, क्या तुम उस छोटी लड़की से मिली। कैसी कहती है, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब कैसी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाती तो वो दोनों के दोनों कैसी के ऊपर हमला कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो कैसी को मारते यहां पर एथीना आ जाती है। वो कैसी को बचाने के लिए शॉप के ओनर से लड़ती है, और लड़ाई के दौरान वो एक की गर्दन उखाड़ देती है। और यहां में पता चलता है कि शॉप के जो ओनर्स थे वो रोबोट थे। और जैसे ही कैसी और एथीना शॉप से बाहर निकलते हैं यहाँ पर एक रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। एथीना यहाँ से एक कार चुराती है और कैसी को इस जगह से लेकर निकल जाती है। एथीना वही है जिसने सन 1964 में फ्रैंक को पिन दिया था। आज भी वो उतनी है, क्योंकि एथीना इंसान नहीं है, वो भी एक रोबोट है। एथीना कैसी से कहती है कि मैं भी एक रोबोट हूँ। जो पिन तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ मिला था वो मैंने रखा था, वो मेरा आखिरी पिन था। और टुमारोलैंड कोई भ्रम नहीं बल्कि वो एक सच्चाई है। मेरा काम है पृथ्वी से ऐसे लोगों को टुमारोलैंड लेकर जाना जिनके अंदर टैलेंट है, जो कुछ करना चाहते हैं, ताकि वो टुमारोलैंड जाकर नई नई चीजें बनाएं, नए नए आविष्कार करें। और तुम्हें भी टुमारोलैंड के लिए चुना गया है। अगली सुबह एथीना कैसी को फ्रैंक के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। और जब कैसी फ्रैंक के घर जाती है और उसे वो पिन दिखाती है जिसे छूने के बाद वो टुमारोलैंड पहुंच गई थी, तो फ्रैंक बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। पर कैसी टुमारोलैंड जाना चाहती है, इसीलिए वो उसके घर के बाहर बैठी रहती है। रात को फ्रैंक अपनी
स्क्रीन पर देखता है कि उसके घर की तरफ एक जलता हुआ बुलडोजर आ रहा है। वो भागता हुआ बाहर जाता है और एक एडवांस मशीन के साथ वो उस पूरे बुलडोजर को वहीं पर जमा देता है। तभी केसी उसके घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। फ्रैंक उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर केसी कहती है कि जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड नहीं ले जाओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। केसी वहां पर बहुत सी आधुनिक चीजें देखती है और जब वो एक कमरे के अंदर जाती है तो वहां पर बहुत सारी स्क्रीन्स होती है जिन पर धरती के विनाश के अलग अलग स्टेजेस चल रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर 60 दिनों का एक रिवर्स काउंट भी चल रहा होता है, यानी कि 60 दिनों में धरती खत्म होने वाली है। तभी फ्रैंक अंदर आ जाता है और वो केसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। केसी उससे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है और तुमने ऐसा क्या किया था जिससे तुम्हें टुमारोलैंड से निकाला गया। फ्रैंक बताता है कि मैंने एक ऐसा आविष्कार किया था जिस वजह से मुझे सालों पहले टुमारोलैंड से निकाल दिया गया और तुम मॉनिटर्स पर धरती की जो भी तबाही देख रही हो ये निश्चित तौर पर होगी। पर केसी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसके विश्वास ना करने की वजह से स्क्रीन्स पर जितनी भी धरती पर तबाही चल रही होती है वो सब की सब कम हो जाती है। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब यहाँ पर रोबोट्स की एक टीम केसी को मारने के लिए आ जाती है, लेकिन फ्रैंक केसी को उन खतरनाक रोबोट से बचाता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ एक बार टब में बिठाता है और तभी यहाँ पर एक रोबोट उनके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारता बार टब हवा में तोप के गोले की तरह उड़ जाता है। पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और इनका बार टब पास ही में एक झील पर जाकर गिरता है। दरअसल फ्रैंक ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। अब यहाँ पर एथीना भी आ जाती है जिसे देख कर फ्रैंक बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि फ्रैंक और एथीना बचपन में जब दोस्त थे तो एथीना ने उससे अपने रोबोट होने की सच्चाई छुपाई थी। पर फ्रैंक को अब इन दोनों के साथ जाना पड़ता है। गाड़ी में इन दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट्स भी होते हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि तुमने इसे पिन कैसे दिया जबकि टुमारोलैंड में सारे पिन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एथीना कहती है कि मैं 12 पिन्स लेकर भाग गई थी और जो पिन मैंने केसी को दिया था वो आखिरी पिन था और एक यही कारण होता है कि टुमारोलैंड वाले केसी को और एथीना दोनों को मारना चाहते हैं। अब ये तीनों के तीनों एक जगह जाते हैं जहां पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है। इस डिवाइस से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फ्रैंक यहाँ पर एथीना से पूछता है कि कैली को क्यों चुना गया। वो बताती है कि अभी तक उसने हार नहीं मानी। दरअसल धरती पर लगभग सभी लोग ये मान चुके होते हैं कि धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन कैली को अभी भी विश्वास होता है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। इसके बाद ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस से पेरिस के आईफिल टावर के टॉप में पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक सीक्रेट रूम के अंदर जाते हैं जिस रूम में गुस्ताव आईफिल जिसने आईफिल टावर बनाया था, साथ ही जूल्स वॉन, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की डमीज होती हैं। फ्रैंक केसी को बताता है कि इन सब ने मिलकर एक फ्यूचर सोसाइटी बनाई थी ताकि वैज्ञानिक वहां बिना रोक टोक के आविष्कार कर सके। इस जगह का नाम रखा गया टुमारोलैंड जो कि एक दूसरे डायमेंशन में है और आईफिल टावर लोगों के घूमने के लिए देखने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये एक एंटीना है। यहाँ से हम टुमारोलैंड जा सकते हैं। गुस्ताव आईफिल, जूल्स वर्न, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने ये इसलिए बनाया था ताकि इमरजेंसी में वो यहाँ से टुमारोलैंड जा सके, पर उन्हें कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और अब फ्रैंक यहाँ पर मशीन को स्टार्ट करता है और मशीन के स्टार्ट करते जमीन के नीचे से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है। आईफिल टावर दो हिस्सों में बट जाता है। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि आईफिल टावर दो हिस्सों में कैसे बट गया। और अब ये तीनों उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर यहाँ से दूसरे डायमेंशन यानी कि टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर टुमारोलैंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ इन तीनों के पास आता है जिसका नाम डेविड है। डेविड इन तीनों को धरती पर वापस भेजना चाहता है, पर फ्रैंक उसे बताता है कि धरती पर मैं तुम्हारी उस मशीन की, जिस मशीन से तुम भविष्य देख सकते हो, जिससे मुझे धरती का आने वाला भविष्य दिख रहा था, लेकिन जब मैंने ये बात किसी को बताई तो उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और जब उसने विश्वास नहीं किया तो वहां पर धरती की कंडीशन पहले से बेहतर हो गई, यानी कि वहां पर तबाही दिखना कम हो गई थी। डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पर केसी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो फ्रैंक से पूछती कि मुझे क्या करना होगा। फ्रैंक उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम जैसी हो वैसी रहना। इसके बाद ये उस मशीन के पास पहुंच जाते हैं जिससे पास्ट और फ्यूचर देखा जा सकता है। ये मशीन फ्रैंक ने उस वक्त बनाई थी जब वो टुमारोलैंड में था और अब ये उस मशीन को स्टार्ट करते हैं। केसी का माइंड बहुत तेज होता है इसीलिए आसानी से वो इस मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर देती है और इन्हें धरती का आने वाला कल दिखना शुरू हो जाता है। केसी अपने घर को भी देखती है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये सारी तस्वीरें आज से 60 दिन बाद की है जब धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। केसी इस बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता,
और जैसी वो ऐसा बोलती है, पृथ्वी के भविष्य में जहां पर इन्हें सिर्फ तबाही दिख रही थी वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि डेविड इसे देख लेता है लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो इन तीनों को जेल में बंद कर देता है। पर केसी को एक बात समझ में आ जाती है कि फ्रैंक ने यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर देखने की जो मशीन बनाई है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है और इसी ऊर्जा को धरती पर भेजते हैं। और एक ये कारण होता है कि फ्रैंक धरती पर बड़ी आसानी से अपने मॉनिटर पर वो सब कुछ देख सकता है जो डेविड टुमारोलैंड में देख रहा होता है। बस ये सब कुछ देखने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है और इस मशीन के जरिए जितनी भी पिक्चर्स आ रही होती है वो सब भविष्य की तबाही की होती है और सबको यकीन है कि भविष्य अब खत्म होने वाला है और यही सिग्नल धरती पर जा रहे होते हैं। इसीलिए धरती पर इंसानों को ये तो पता है कि बहुत जल्दी धरती खत्म होने वाली है, लेकिन वो ये भी मान चुके हैं कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। इसीलिए वो धरती को बचाने के लिए ना कुछ कर रहे होते हैं और ना ही सोच रहे होते हैं। केसी फ्रैंक से कहती है कि अगर हम इस मशीन को यहाँ पर बंद कर दें तो जो नेगेटिव मैसेजेस यहाँ से धरती पर जा रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और इसके बाद इंसान पॉजिटिव दिशा में सोचना शुरू कर देगा। वो ये सारी बातें डेविड को बताते हैं लेकिन डेविड उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि इंसान खुद ही मरना चाहते हैं, हर रोज मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन इंसान इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। हमने इस मशीन के जरिए उनके दिमाग में ऐसी इमेजेस भेजी जिससे उन्हें पता चल सके कि धरती तबाह हो रही है, पर वो कुछ करने की बजाय ये मान गए कि उनका अंत निश्चित है। यहाँ पर केसी की बात बिल्कुल सही होती है। धरती पर वो लोग जो धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं, इस मशीन के मैसेजेस की वजह से उनके दिमाग में पहले से फीड हो चुका है कि धरती का अंत निश्चित है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर रहे होते। अब डेविड इन तीनों को वापस धरती पर भेज रहा होता है। वो फ्रैंक को अलविदा कहने के लिए उससे हाथ मिलाता है। फ्रैंक डेविड के हाथ में लगे हुए गैजेट के कुछ बटन्स को दबाता है जिससे यहाँ पर वो पोर्टल खुल जाता है जिससे धरती पर जाया जा सकता है। अब फ्रैंक के बीच में और डेविड के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों अब अर्थ पर हैं। ये एक सुनसान जगह होती है, वहीं टुमारोलैंड में दिखाया जाता है जहां पर अथीना केसी को एक बॉम्ब देती है। ये बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होता है। दरअसल ये दोनों इस बॉम्ब से इस मशीन को उड़ाना चाहते हैं क्योंकि इसे बंद नहीं किया जा सकता। ये बॉम्ब को ऑन कर देते हैं पर तब तक रोबोट उस प्लेटफॉर्म को नीचे गिरा देता है जिसके ऊपर केसी खड़ी होती है, जहां से वो मशीन को ब्लास्ट कर सकती है। अब यहाँ बॉम्ब ऑन हो चुका है और कुछ ही सेकंड्स में वो ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए एथीना पोर्टल का दरवाजा खोलती है और बॉम्ब को बाहर फेंक देती है जहां पर फ्रैंक और डेविड लड़ रहे होते हैं। बॉम्ब देखने के बाद ये दोनों के दोनों पोर्टल के अंदर यानी कि टुमारोलैंड के लिए भागते हैं और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि ये दोनों तो अंदर आ जाते हैं लेकिन डेविड एक बहुत बड़ी मेटल की शीट के नीचे दब जाता है। यहाँ पर एथीना इस भविष्य देखने वाली मशीन में देखती है कि डेविड अगले चंद सेकंड्स में फ्रैंक को गोली मारने वाला है और जैसे फ्रैंक के ऊपर डेविड गोली चलाता है एथीना उसके आगे आ जाती है जिस वजह से फ्रैंक की जान तो बच जाती है लेकिन एथीना का सिस्टम डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है यानी कि वो मर रही है। वहीं केसी को दिखाया जाता है जो डेविड के पास जाती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। यहाँ पर फ्रैंक केसी को एक दूसरी जगह ले जाता है। केसी उसे बताती है कि जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें टुमारोलैंड लाई थी तो हम दोनों के बीच में दोस्ती हुई, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग फील करती थी जो मेरे प्रोग्राम ने पहले कभी नहीं किया था। मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई कि मैं एक रोबोट हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी निराश नहीं करना चाहती थी। टुमारोलैंड में सिर्फ मैं थी जिसे तुम पर विश्वास था, पर जब तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे नाराज हो गए। दरअसल फ्रैंक भी केसी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए जब उसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है तो उसका दिल टूट गया था। अब केसी अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देती है और वो फ्रैंक से कहती है कि मुझे ऊपर मशीन तक ले जाओ, और फ्रैंक जेट पैक पहनकर जो उसने बचपन में बनाया था उसे ऊपर ले जाता है और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी की पूरी मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो नीचे डेविड जो फंसा हुआ होता है उसके ऊपर गिरती है जिससे डेविड की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि केसी अपने पिता और अपने भाई के पास जाती है। उसके पिता नासा के इंजीनियर है, इसीलिए उसके पिता और उसके भाई को टुमारोलैंड में रहने की इजाजत मिल जाती है। फ्रैंक और केसी अब टुमारोलैंड के हेड हैं और जिस तरह से उन्हें पिन मिले थे अब वो अर्थ पर उन लोगों को जो मशीन टूटने के बाद
अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं उन सबको पिन भेजते हैं ताकि वो टुमारोलैंड आकर अपने आविष्कार को और भी अच्छे से करें और अर्थ को बचाया जा सके। 60 दिन पूरे हो जाते हैं और अर्थ को कुछ भी नहीं होता, यानी कि केसी की जो सोच थी वो बिल्कुल सही थी। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म टुमारोलैंड की। ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था 180 से 190 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 209 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।